नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ श्री रामलिंगेश्वर चौड़ेश्वरी माता की इस बेहतरीन जत्रे के एक और एपिसोड में। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो यात्रा चालू है, कल का दिन जो है वाम नायक की जो है बेहतरीन मेरुणुक हुई, जिसे जो है आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा गर्दी थी माशाल्लाह। और आज के दिन जो है नुरू सिंह बोल के नरसिम्हा जी की जो है बेहतरीन मेरुणुक जो है निकाली जाएगी, बहुत ही शानदार जो है आज भी गर्दी होने वाली है। कल के मुकाबले आज गर्दी जो है डबल होने वाली है। और आज अभी जो है अपने को अजीम भाई लेबू चले लेंगे, बहुत ही शानदार जो है आज की भी मेरुणुक होने वाली है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। आज जरा लेट वेला मुझे काम के चलते, तो देखेंगे बोलते बरोबर वक्त पर मिलता कि नहीं। कल कैसा बेहतरीन फुटेज मिली थी अपने को, आज भी बेहतरीन फुटेज मिलती कि नहीं देखेंगे बोलते इंशाल्लाह। तो फिर चलो ऊपर वाले का नाम लेंगे और आज के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करेंगे बोलते चलो। कल के दिन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी यार, यहाँ आज कुछ भी गर्दी नहीं है। मैं बोला ना आपको इस बेहतरीन यात्री की जो शुरुआत है आज के दिन की, जो पूरा ये होने वाला है वो पूरा जो है बरोबर मंदिर के सामने होने वाला है। तो चलिए वहीं पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है भाई ऊपर वाले के फजल से। गर्दी तो कुछ भी नहीं दिख रही, सीधा चला है सच, कुछ भी गर्दी नहीं है, कुछ भी गर्दी, सब लोग शायद मंदिर के पास रुके ले। चलो देखेंगे बोलते क्या होता अभी। तो आज जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा काम के चलते देर भी थी, तो इन्हों आने के बाद बोले लड़कन था कि आज का पूरा ख़त्म हुआ बोलते, तो चलो यहाँ तक कह ले तो इतना थोड़ा बहुत निकाल को जाएंगे बोलते। बहुत ज़्यादा लेट हुआ यार, कल बरोबर टाइम पर आए थे, कल देर से आने के बाद भी बहुत देर हुई थी, मुझे लगा साला आज भी देर अच्छूँगी, लेकिन यहाँ पर आज जल्दी हुआ बोलते 8 बजे चलते वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे कल की तैयारी कैसा कर रहे हैं। कल भी बहुत ज़बरदस्त मेरुणुक होने वाली रहती, कल के दिन जो है और भी बेहतरीन गर्दी रहने वाली, कल बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग आने वाले यहाँ पर, पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहती यहाँ। तो चलो बता वहाँ तक जाकर देख पाएंगे बोलते है क्या नहीं, यहाँ तक आए ले इतना एफर्ट करके तो एक छोटा सा निकाल को जाएंगे बोलते है क्या नहीं। चलो बहुत ही शानदार डेकोरेशन करे ले, कल नहीं था ये, आज माशाल्लाह अच्छी तरीके से बने ले यार सब, अच्छा करे ले एकदम, वाह सही है। ये कल की तैयारी चालू है देख अल्लाह ताला के फजल से, बहुत ही शानदार तैयारी चालू है। कल का बहुत बड़ा रहता ना, बहुत शानदार रहता, कल बहुत सारे लोग आते, अलग अलग गांव से लोग आते, अलग अलग जगह से लोग आते, बहुत दूर दूर से आते, कर्नाटक से ले को ऊपर मुंबई से ले को पुणे से ले को बहुत दूर दूर से लोग आज इस बेहतरीन यात्रा को देखने के लिए आते। तो बहुत ही शानदार तरीके से कल हुआ था, आज भी अपने को देखने के लिए मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ आज अपन लेट हुए, बहुत ज़्यादा लेट हुए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेट हुए, लेकिन फिर भी पहुँचे यहाँ तक आए, पूरा तैयारी देखने मिली अपने को, इससे बढ़कर और क्या चाहिए है क्या नहीं माशाल्लाह। चलो भाई देखेंगे बोलते और आगे क्या होता, ऊपर वाले के फजल से थोड़ा लेट हुए थे अपन आने के लिए, लेकिन इस गांव के समर्थ मानको जी नाम के एक लड़के ने जो है अपने को मदद करे, उन्होंने वीडियो वगैरह निकाले सो थे ऑलरेडी, तो वो वीडियो जो है अपने को शेयर करे, तो वही वीडियोस जो हैं आपको अभी आगे दिखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तैयारियां चल रही, कल इसकी भी ज़बरदस्त जो है पूरा ये यात्रा होने वाली है, कल जो है ज़रा भी रुकने के लिए जगह नहीं मिलने वाली अपने को। तो बहुत ही शानदार जो है सजावट हुई है, बेहतरीन जो है महाप्रसाद होने वाला है कल के दिन, कल बहुत सारे बेहतरीन चीज़ें जो है लाइनअप करके रखे ले, तो इंशाल्लाह अपन कल आएंगे बोलते ज़रा जल्दी आके यहाँ के अलग अलग वीडियोस निकालने की कोशिश करेंगे बोलते। चलो निकलेंगे बोलते अभी अपन घर को, वहाँ एक तैयारी चलो है वो उतना रिकॉर्ड करके घर को जाएंगे बोलते चलो। Thank you.
रोजच्या जीवनामध्ये, कामाच्या ताणामध्ये, शहराच्या गावाच्या गर्दीमध्ये किंवा सुट्टीमध्ये सर्वांना वाटते की त्यांचे खेड्यापाड्यामध्ये शांततेमध्ये व निसर्गाच्या खुशीमध्ये एक घर असावे, जिथे आपण काही काळ मानसिक आनंदासाठी, सुट्टीसाठी व रोजच्या कामाच्या सुटकेसाठी जाऊ शकू। तर तुमचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विनोद सुरपुरे, संजय दुधगी व शरणू सुरपुरे घेऊन येत आहेत दक्षिण सोलापुरातील नंदनवन मानले जाणाऱ्या वळसंग गावामधील सिद्धी विनायक नगर, जे वळसंग गावातील पोलीस चौकी समोर वळसंग दिंडूर रस्त्यावर स्थित 2.5 एकर भागामध्ये पसरलेले 1000 स्क्वेअर फुटी प्लॉट असलेले एक नंदनवन आहे। या सर्व प्लॉटचे कलेक्टर NA ऑर्डर पूर्ण झाले आहेत। तसेच अंतर्गत रस्ते 30 फूट, मेन रोड 40 फूट, स्वतंत्र लाईट जोडणी, रस्ते व जबरदस्त नैसर्गिक वातावरण आपणास मिळेल। तसेच सर्व महत्त्वपूर्ण सेवा काहीच पावलांच्या अंतरावर तुम्हाला मिळतील, ज्यात पोलीस स्टेशन, बँक, स्कूल, हॉस्पिटल, सुसज्ज बाजारपेठ, बस स्टॉप, हॉटेल व सर्वात महत्त्वपूर्ण सोलापूर अक्कलकोट हायवे। प्लॉट विक्री पूर्ण वेगात चालू आहे। लवकरच आपले प्लॉट निसर्गाच्या कुशीत बुक करा फक्त एका फोन कॉलवर। आमचे मोबाईल नंबर आहेत 8329737214, तसेच 7020527540 आणि 9975467506 वर। आम्ही आपल्या सेवेत सदैव तत्पर आहोत। हे जबरदस्त ॲडव्हर्टाइजमेंट होते सिद्धिविनायक नगर वळसंग। तुमची स्वप्नपूर्ती हेच आमचे ध्येय। धन्यवाद। तर या ठिकाणी खूपच चांगल्या प्रकारे जे आहे या का उद्या होणाऱ्या मिरवणुकीची जी आहे तयारी चालू आहे बालबट्टलची। तर दादा हे काय पहिलं नाव सांगा तुमचं काय? मल्लिकार्जुन हनगे साहेबांचा आपण याच्या अगोदर पण इंटरव्ह्यू घेतलाय आपल्या ह्याच्या जैन मंदिरापाशी, तर ते व्हिडिओ पाहिलं नसेल तर पाहतो मी। तर काय हे कशासाठी बनवतं? बालबट्टलच्या पायामध्ये बांधण्यासाठी। म्हणजे दरवेळेस नवीन बनवावं लागतंय का असं? एकदा बनवलं तर 4-5 वर्ष जात आहे। ह्याला पण मान असते का बनवणाऱ्यांचं? साहेब तुमचं नाव काय? कोंडे। कोंडे साहेब, तर तुम्ही पहिल्यापासून तुम्हीच बनवता आहे का पप्पा वगैरे बनवायचे तुमचे? दुसऱ्यांचंच बघून शिकलो। म्हणजे असं पिढ्यानुपिढ्या एकच माणूस असं करत आलेलं नाही, म्हणजे ज्याला येते त्यांनी बनवतोय। हा, त्यांनी तुम्हाला शिकवायला लागले होता। खूपच वेगवेगळे गाठे आहेत त्याच्यामध्ये। हा, लई प्रकारचे गाठे आहेत। हा, अरे बापरे, म्हणजे वजस्त आहे लई। 35 घंटे येणार एकावर? हा, अरे बापरे, एका पायात 70, एका पायात 70। हा हा हा, अरे बापरे, 10-20 किलो तर वजन असत। हा, अवघड आहे, खतरनाक। चांगले चांगले, तर खूपच चांगल्या प्रकारे इथे उद्याच्या यात्रेची, बालबट्टल यात्रेची जे जल्लोष तयारी चालू आहे, सगळं मंडप वगैरे लावलेलं आहे, लाईटिंग वगैरे झालेली आहे। आज तुम्हाला इथं लोक फ्री दिसत आहेत, उद्या एक कोण पण फ्री दिसणार नाही, उद्या सगळे पळापळीमध्ये असणार आहेत लोक। तर बघू अजून त्यांनी काय तर आणायला गेलेत वाटतंय का? आणायला गेलेत का? थांबा बघू आपण। तो राम श्री रामलिंग चौडेश्वरी लहान मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग, मतलब यहाँ पर हर एक मंदिर आहे बोलते, जिसके लिए इनो लाइटिंग का रस्ता बनायला यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। इकडे पण जाते का? हे फक्त यावर्षी केलं। इकडे पण बालबट्टल जाते का? सकाळी सकाळी जाते का? हा, तिथे मंदिराचं दर्शन घेऊन परत त्या बोळातून मेकअप वगैरे करते का? कुंभ ते 30 तारखेला ते ह्याचं ते झाडांनी बनवलेलं असते ते। ओके ओके ओके, मग इकडे करतात का ते? इकडे एक मंदिर आहे ना ते, म्हणजे इथंच करतात का ते दरवर्षी कुंभ? हा हा, हे मंदिर आहे का? हे जुनं मंदिर आहे का? खूप छोट आहे का? ओके 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 ओके, हे छोटं मंदिर आहे का? हे कोणाचं आहे मास्क?
हे चौडेश्वरी माताच आहे का? इथं वेगळं तिथं वेगळं आहे का? नाही दोन्ही हा 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 इथं फक्त एकच आहे का? पहिला इथं होत नंतर तिकडे मंदिर हा 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 असं केलं तुम्ही म्हणजे वेगवेगळीकडे ठेवलेत फक्त. चांगलंय चांगलंय. तर हे मला माहिती नव्हतं तुम्ही हा 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 तिकडे नवीन केलं. तुम्ही जर सांगितलं नसतं तर मला माहित पण झालं नसतं इकडचं. हा हा म्हणजे नवीन कन्स्ट्रक्शन केलं. एक दोन तीन महिने झाला बांधून. चांगलंय की चांगलंय. चला आणि हे इकडे असते का ते कुंभ इकडे बनवतात म्हणजे ते 30 तारखेला जे होणार आहे मंदिर आहे छोट. हा हा म्हणजे 30 तारखेला आपल्याला तिकडे जावं लागेल. सकाळी 12 वाजता मी येणार आहे. माझं पेपर आहे त्या दिवशी. पेपर झाल्यावर इकडेच येणार आहे मी. बघू काय होईल ते होईल. तर बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने दिखाया. अगर मैं इन्हों नहीं बताया असते तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा होता इधर एक छोटा मंदिर है बोल के. तो चलो अभी जाएंगे. बोलते लेट आने के बाद भी थोड़ा फायदा हुआ है कि नहीं. लोगों के साथ बातचीत करने मिली. कुछ नवीन बातें सीखने के लिए मिली है कि नहीं. तो चलो देखेंगे. बोलते जाएंगे. बोलते अभी तो आज जो ये रास्ते आपको खाली दिख रहे ना कल इसी वक्त पर इंशाल्लाह यहाँ पर इतनी गर्दी रहेंगे ना इतनी ज़्यादा गर्दी रहेंगे ना कि तुम सोच में पड़ जाएंगे भाई ये क्या ही है इतनी ज़्यादा गर्दी कैसा बोल के. तो बहुत ज़्यादा गर्दी रहने वाली है. कल वीडियो निकालते टाइम को अपने को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है. उन्हें जैसा आज अपने को मदद करा लेट आने के बाद भी अपने को जो है वीडियो मिले बहुत सारे. इंशाल्लाह कल भी मदद करेंगे उन. इन्हों तो बोल रहे 5 बजे से चाहो सब खाना पीना रहना सब तुम ना सोए करते. ये जैन मंदिर है यार. जैन मंदिर खोल रहे थे ना इतना भारी कंस्ट्रक्शन है इसका. लेकिन ये पूरे गलियां पूरे बोड़ा जो है भरे सुरेंगे. लोग छता पर भी रुक को देखते सुरेंगे. कट्टियां पर रुक को देखते रहेंगे. बहुत ही ज़्यादा जो है भन्नाट गर्दी रहेंगे यहाँ पर. फिर भी अपन कुछ तो मैनेज करेंगे बोलते इंशाल्लाह क्या होता देखेंगे. बोलते चलो जाएंगे. बोलते अजीम को बुला लो देखेंगे क्या होता आगे. यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट भरेला है जिसका अपन कल फुटेज निकालेंगे बोलते वीडियो इंशाल्लाह. चलो अजीम भाई आए ले फाइनली. यहाँ पर भी जो है थोड़ी दुकान लगे सही. चलो अभी घर को जाएंगे और इस बेहतरीन व्लॉग को जो है एंड करेंगे बोलते चलो. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बेहतरीन व्लॉग को आखिर तक देखने के लिए. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो. कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस बताओ. और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो. तो बहुत ही शानदार तरीके से आज की भी मेरोनुक भी लिया. अनफॉर्चुनेटली अपन लेट पहुंचे लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है वीडियोस निकाले हुए थे उन्होंने जो है अपने को वीडियो शेयर किए. तो बहुत ही अच्छी तरीके से वह ऊपर वाला मदद करने वाला है क्या नहीं. तो बहुत शानदार तरीके से पहले आज नरसिम्हा जी की पूरी मेरोनुक खत्म हुई. फिर उसके बाद जो है आज अपने को पूरे हिस्ट्री बताते हुए अपने वसंगाँव के जो पत्रकार हैं रियाज पटेल जी तो उन्होंने भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा क्या बोलते हैं इतिहास के ऊपर पूरा बात करे ले. उनका भी 2-3 मिनट का अपन इसमें ऐड किया ले. तो बहुत ही शानदार जो है उन्होंने बात करे थे. तो बहुत ही अच्छी तरीके से आज अपने को पूरा माहिती मिली नवीन जगह देखने के लिए मिली. तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है. और इंशाल्लाह कल के दिन बहुत ज़्यादा गर्दी होने वाली है. कल के दिन अपने को ज़रा जल्दी जाना पड़ेगा. तो देखेंगे बोलते क्या क्या होता. अभी अपन कोशिश करेंगे बोलते आज जल्दी से जाने की जल्दी से जल्दी वीडियोस वगैरह निकालने की. लेकिन सब बाकी का ऊपर वाले के हाथ में. देखेंगे बोलते क्या होता. तो आप सभी लोगों का एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया. मिलेंगे फिर से इस बेहतरीन वीडियो सीरीज़ के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अलविदा. जय हिंद.